Assalamualaikum and welcome to A Plus Special Eid Transmission, जिसका नाम है मिलन है ईद। और जहां मिलन की बात होती है तो हम लोगों ने कहा कि सेकेंड डे आपके लिए उससे भी ज़्यादा मज़ेदार शो लेके आए। उम्मीद है आपने कल वाला शो हमारा इंजॉय किया होगा, इसलिए आज मैं बहुत ही सिंपल लग रहा हूँ और ये बहुत ग्लैमरस लग रही हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये तो इनका ख्याल है। एनीवे ख़वातीन हज़रात, जिस तरह हम लोगों ने आपको बताया है कि ईद वाले दिन भी हम लोग अपने जो हमारी गवर्नमेंट के SOPs हैं हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी उन SOPs को फॉलो कर रहे हैं। सेफ और हेल्दी ईद मनाएं, अपने लिए भी और अपने हमसायों के लिए भी। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, रिमेंबर दैट। मास्क पहने, बकरे को भी मास्क पहनाएं और अगर ज़िबा कर रहे हैं तो बकरे का मास्क उतार दें। अच्छा अहमद, मैं कल न्यूज़ में देख रही थी कि केसेस बड़े कम रिपोर्ट हुए, उसकी वजह यह है कि लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं, जिसकी वजह से इस ईद पे कंपैरेटिवली जो है वो केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल कम हुए हैं और इस ईद पे लोगों ने गोश्त भी कम बांटा है। अच्छा, और सुना है करेले भी कम बांटे गए हैं। मैंने तो भाई कल बुत करेले बना लिए और खा भी लिए, बहुत मजे के बने थे। नाजरीन इसको कहते हैं बैड होस्ट, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कि आप करेले खाएंगे कि नहीं। आप रान लाने वाले थे हम सबके लिए आज। मैं लेके आ रहा था लेकिन वो रान जो है वो रास्ते में ही कुर्बान हो गई। ओए होए, देख ले अब ये लेम एक्सक्यूज है वैसे। एनीवे हम दोनों आपस में बात करते रहेंगे, लेकिन आज हमारे पास जो मेहमान आए हुए हैं वो हमसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग हैं और बड़े मजेदार और टैलेंटेड लोग हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आज इजी पैसा राही के मेहमान मौजूद हैं, उमैर जसवाल साहब। उमैर जसवाल साहब का इंट्रोडक्शन करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की रॉक इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक है, एक्टर भी रह चुके हैं। ही इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेनर। इनका एक बड़ा मज़ेदार रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जेसीज़ बर्गर। और अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद में कभी भी भटक रहे हैं और आपको भूख लगे तो वहाँ जरूर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये बर्गर खिला के फिर आप कहते हैं अच्छा अब आओ मैं तुम्हें एक्सरसाइज करवाता हूँ। तो लेकिन इस दफ़ा ये हमारे पास इजी पैसा राही के मेहमान हैं और इन्होंने एक नया शो बनाया है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू द प्रोग्राम ऑल्सो। सो उमैर जसवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। सो मच फॉर हैविंग मी बट साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू, माय प्लेजर। ईद आपके साथ गुजरी और क्या चाहिए सर। अच्छा, ये बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन लग रही है, मतलब क्या प्लान। हमने पहले आपस में एक दूसरे को मैसेज कर लिया था, बट साहब क्या कर लिया था हमने। उन्होंने कहा था बट साहब आप क्या पहने, मैंने कहा मैं काला पहन रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा मैं डिफरेंट करता हूँ, चिट्टी शिवा। अच्छा जी, जहाँ उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के कव्वाल घराने से इनका ताल्लुक है और बहुत ही खांसा वाले घराने से इनका ताल्लुक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अरसे से कवाली भी परफॉर्म करे हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं। इनकी रिसेंटली बड़े मज़ेदार गाने भी आए हैं, इन्होंने रिसेंटली एक टिकटॉक कलेबरेशन भी किया है खांसा साहब। वो भी पूछेंगे कि वो क्यों की गई, लेकिन हम लोग प्लीज़ आपकी तालियों में वेलकम शेर मियादाद खांसा। ईद कैसी गुजरी है आपकी? बहुत अच्छी गुजरी है, क्योंकि जिस ईद में गोश्त हो तो बहुत अच्छी गुजरती है। और आज इसलिए अच्छी है कि बट साहब हैं, आप हैं, जसवाल साहब हैं, भाई हैं सब। बिल्कुल जी, और ख़ास साहब से भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। और ये मेहमान के बारे में, ही इज़ वन ऑफ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, एक्टिंग करते हैं, उसके साथ साथ मॉडलिंग भी खुद करते हैं। ही इज़ ट्रैवलिंग मेरे से ज़्यादा करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, ट्रैवलिंग में से। और कई लोगों को ये नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर आपने इनको डांस करते हुए देखा है। बहुत अच्छा डांस, कमाल के डांसर भी हैं। लेकिन रिसेंटली इन्होंने बड़ी एक मीसनी हरकत की, छुप के शादी की इन्होंने। कुन्ने कुन्ने हरकत की है। और इन्होंने पोस्ट सिर्फ लगाई, हाँ शादी हो गई। ना ही कोई रोटी का पूछा, ना ही कोई बंदा कार्ड पूछता है, या कोई इनवाइट भी भेज देता है कि आई नो यू कांट कम, बट स्टिल सस्ते में जान छुड़ा ली है। तो जी प्लीज वेलकम साइन, थैंक यू वेरी मच। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक तमाम लोगों को। नहीं नहीं, हमने आपकी बेइज्जती की है कि आपको शर्म आए कि आपने शादी की। मैं उसी तरफ आ रहा था बड़े अपने अंदाज में। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब अहमद भाई आपके साथ जाओ, आपने कहा ना पुराने दोस्त हैं, तो मुझे पता था आपने तारुफ के अंदर एक ऐसा जुमला मार्चे डालनी है करारा सा। हाँ, तो वो और अच्छा, वो हो तो फिर पता भी नहीं लगता ना कि अहमद भाई हैं। एग्जैक्टली exactly. अब उसने अहमद भाई की जगह अहमद भाई कह दिया मुझे, मगर खैर है। जी आगे। और हमारे साथ एक यहाँ पे और बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, ब्लॉगर हैं, महा। थैंक यू वेरी मच महा। Thank you so much. कैसी हो महा, ईद कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह, it's going great. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस ईद पे कौन से कलर्स इन थे?
ताकि मुझे लगे ये नहीं था, इसके अलावा सब इनके माँ प्लीज जी। इस दफा क्योंकि गर्मियाँ कुछ डिफरेंट थी और कुछ कोरोना का सीन हुआ हुआ था, तो लॉट ऑफ पीपल प्रेफर फॉर लाइटर कलर्स, वाइट, ऑफ वाइट इस तरह की, और लाइटर एम्ब्रॉयडरीज। बहुत ज़्यादा रशकस जो होता है प्रिंट्स का वो नहीं था इस दफा, बिल्कुल लाइटर की तरफ, प्लेन प्रिंट्स के साथ लाइट एम्ब्रॉयडरीज, हैवी दुपट्टा, इसका ट्रेंड ज़्यादा है। मजे की बात, आपने एक जुमले में 9 दफ़ा लाइट का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो हिंट आ जानी चाहिए। एनीवे प्रोग्राम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग इजी पैसा राही की बात करते हैं। इजी पैसा राही इज अ आई थिंक इस तरह का शो कभी अटेम्प्ट भी नहीं हुआ और इतने बड़े स्केल पर नहीं हुआ। उमर साहब इज गोइंग टू टेल अस समथिंग अबाउट इजी पैसा राही, किस तरह इसका स्टार्ट किस तरह हुआ और ये ट्रैवल और ये जर्नी ये मतलब कहाँ से शुरू हुई? बट सर फॉर द वेरी फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव इन टू बाइकिंग, ऑलवेज लव टू व्हीलर्स बचपन से, 70 से लेकर हम आपकी बाइक। So I was discovering Pakistan a few years back, north mein travel kar raha tha and maine realize kiya ki hum log duniya ka content dekhte hain, hum puri duniya se cheeze YouTube pe dekhte hain, documentaries dekhte hain, filmein dekhte hain, inspire hote hain and bahut sari stories hoti hain jinko hum follow karte hain, jab log apni dil ki sunte hain aur nikal padte hain, they try to be the captain of their own ship. So kawaare log, shaadishuda log, shaadishuda log bhi kar sakte hain, uski bhi example ek aur bhat sahab bhi hain, unpe bhi aate hain, dekhiye wo सो बेसिकली व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान आई रियलाइज्ड के हमारे मुल्क में कमी है इस चीज़ की, एक शो बन सकता है। उस शो को बनाने के लिए जो मुझे नज़र आता था, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग ब्लॉगिंग, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग ट्रैवल फोटोग्राफी, बट वो उस लेवल पे नहीं हो रही थी जिस लेवल पे होनी चाहिए, जिस लेवल पे हमारा मुल्क खूबसूरत है। वी हैव ऑल सीजंस, वी हैव कोल्ड डेजर्ट, वी हैव ओशंस, वी हैव एवरीथिंग, ब्यूटीफुल रिवर्स, जंगल्स, कितना खूबसूरत है पाकिस्तान मैं बता भी नहीं सकता। सो दी ओनली आइडिया वॉज के एक ऐसे स्टैंडर्ड पे शूट किया जाए, एक ऐसे तरीके से शूट किया जाए ताकि हम लोग बाहर से जो लोग आते हैं और पाकिस्तान के बारे में शूट करते हैं उससे बेहतर हम शूट करके अपना मुल्क औरों को दिखाएं, पाकिस्तान से बाहर दिखाएं। एंड फॉर दैट दैट्स वेयर द ब्रांड केम, फॉर अ ब्रांड टू ट्रस्ट यू लाइक दैट, टू ट्रस्ट योर विजन एंड वर्क विद यू इन कोलैबोरेशन, और आपको आपकी हिम्मत बने और कहे आप जाएँ, आप करें, हम आपके साथ। So I think I was very brave of the brand, or all the young people in the brand, Subhan, Ahmed, Arsalan. These are the people who really pushed me and gave me full creative control. Like आप बनाएं, हम brand वाली हरकतें नहीं करेंगे, हम आपको बनाने देंगे। नहीं, it's और बहुत कम होता है कि brand आपको creative freedom दे। Yes, because most of the times we have all worked with brands, मगर आप brand आपको restrict करते नहीं कि ये हमारी बिल्कुल ये आप इसको थोड़ा ऐसे कर दें, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दें, इस चीज़ के बारे में बात ना करें। सो इस शो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट्स लाइक इट्स अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज कंट्री एंड ट्राइंग टू फाइंड हिज सोल अगेन। हम सब जो हैं अपनी डिड यू ट्राई टू फाइंड अ बार्बर इन द मिडल? या मैंने कराची पहुंच के दाढ़ी कटवा ली, थोड़ी सी ट्रिमिंग करवा ली। अच्छा, आपकी फर्स्ट एपिसोड कल ऑन एयर हुई थी, विच इज द 1st of August एट 7:30 PM ए प्लस पे देखी गई थी, और अगर हमारे यूट्यूब पे भी इजी पैसा राही का चैनल है जहां आप इसकी एपिसोड को रीरन देख सकते हैं, एंड एवरी द सेकेंड एपिसोड टिल द 8th एपिसोड इज गोइंग टू बी टिल द सैटरडे, और एवरी सैटरडे शाम 10 बजे से 11 बजे तक। 8 एपिसोड्स हैं टोटल इसकी? यस, 8 to 9 एपिसोड्स, एंड देन देयर इज अदर एडिशनल कंटेंट जो कि म्यूजिक है, बिकॉज़ आई एम अ म्यूजिशियन, तो इट वाज जस्ट वेरी बिकॉज आई वाज इंस्पायर्ड ऑन द रोड टू राइट मोर म्यूजिक, सो द म्यूजिक बिकेम अ पार्ट ऑफ द शो, और फिर हमने बड़े ऑर्गेनिकली म्यूजिक को इसका पार्ट बनाया, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। सो बेसिकली अगर हम लोग इसकी जिस्ट देखें तो आपकी आवारा गर्दी इजी पैसा ने अफोर्ड किया। ओके, इजी पैसा, मैं आपके पास एक बड़ा अच्छा खाने का शो लेके आ रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में हम खाना एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आप कहना, सब कुछ हो रहा है इसमें ऑलरेडी। अच्छा, वो हो रहा है। वो भी आइडिया के लिए आगे। सो या, बट द थिंग इज के इस शो का पर्पस ये है कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकें कि हम अपने घरों से निकलें, अपनी बिजी लाइफस्टाइल से निकलें। हम लोग जब चाहते हैं वेकेशन करने अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं, हम सब करते हैं। यहाँ पे गिन के लोगों ने 2 हिल स्टेशन और 1 समंदर देखा हो। देयर इज अ लॉट मोर इन आवर कंट्री, आई एम श्योर देयर इज अ लॉट, एंड इंशाल्लाह विद दिस शो वी विल वी आर ट्राइंग टू इंस्पायर पीपल
कि आप वो पहला स्टेप लें, और ये जर्नी तो सिर्फ एक मेटाफर है, जो असल चीज़ है कि वो करें जो आपका दिल चाहता है। अगर उमेश जायसवाल का दिल कर रहा था कि वो एक ऐसी जर्नी पर निकल जाए कि जहाँ वो जाके दोबारा से खो जाए और अपने आप को दोबारा ढूंढे, सो आप भी कर सकते हैं। क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, टेक द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल, और घर वालों को कख ना पता हो कि आप कहाँ हैं, किस हाल में, दो दो हफ्ते तक फोन नहीं आया, तो ये आपने किया है। हाँ, यही किया। एनीवे नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ, विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। और हमारे यहाँ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़रा शुगर लगाएंगे। ईद का दूसरा दिन है, उम्मीद है आप भी उसी तरह हमें देख के खुशी से लाल हो गए हैं जिस तरह इनका जोड़ा। आज का कलर ब्लाइंड है, मेरा जो जोड़ा है ये फूशिया पिंक है। सॉरी, फूशिया पिंक है, कश्मीरी चा। एनीवे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। बैक फ्रॉम द ब्रेक, और ये आपने बड़ी खूबसूरत एक कहले मैशअप सुना खान साहब का। खान साहब, ऑब्वियसली बात है, ईद का ये मौका है और हम लोग सब अपने घरों में सेफ रह के ईद, लेकिन इस ईद पे क्या चीज़ आपको मुख्तलिफ फील हो रही है और कैसे उसको डील कर रहे हैं? इस ईद पे जो मुझे डिफरेंट लगा वो ये है कि लोग डरे डरे सहमे सहमे हैं। हाँ, ऐसे मुझे मिल भी रहे ने, अच्छा एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी लगी जी, कि मिल ऐसे रहे हैं और ज़्यादा दफ़ा ऐसे मिल रहे हैं। अच्छा, मैं जा रहे हैं। और मिल बैठने का नाम ईद है, और लोग आते हैं और बस सहमे हैं, किसी को कॉल करने से पहले बंदा सोचता है कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि इतना एक तो वो कहते हैं एहतियात बहुत लाजम है, हाथों हाथों के मैं तो थक गया। क्या था, हाथों हाथों के मेरे गुनाह तुल गए। हम तो मैं कहना मैं हाथों बैठा हर चीज़ हाथों बैठा। तो ये बहरहाल ईद तो ईद ही होती है। नहीं, सब बेशक बेशक। शेर में अदाद साहब, आपने एक बड़ा खूबसूरत गाना बनाया और उसमें आपने एक टिकटॉकर के साथ कोलैबोरेट किया, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप टिकटॉक में हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, कोई असिस्ट करता तो मैंने कहा चलो बना ले, लेकिन मैं हूँ नहीं। अच्छा, अगर मैं टिकटॉक पे हूँ तो अच्छी अस्थाई गुनगुनाई जो मैं कंपोजिशन रात को बनाई है जिस तरह, तो वो के लोगों को तो अच्छा। वो डॉली को ढूंढा कैसे टिकटॉक पे और कोलैबोरेट कैसे किया और गाने में कैसे लिया? अच्छा, ये लॉकडाउन की रीजन है सारी के कवाली अब तो सारे कुछ लॉकडाउन लॉकडाउन से पा दे हो कवाली स्टार्ट करने ठीक। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं गाने की तरफ आते, क्योंकि गाने पहले भी मैं करता था जी, तो मैंने एक सराइकी गाना बनाया। बिल्कुल, इनको सराइकी आती है, मैंने बहुत चंगी सराइकी आंदी है, तो मैं तो अनल अगली रे गल्ला है ना सराइकी दे चक्कर सा, लेकिन इन्हें करे सा के तो मैं अक्सर जाई थे नाव बड़ी के बहुत तरीके तरीके उड़ दिया और बहुत तरीके तरीके उड़ दिया, तो लोगों ने समझ नहीं आती, तेरे लोगों ने समझ नहीं आती, तो मैं चुप करके बात ही नहीं। बहुत अच्छा, सही क्या बात। लेकिन पहले तो मैं ये दसो कि तुसा उस नु गोला कित हुए डॉली नु तुसा कित लग गई थे? मेरे बोल डॉली को ये था कि वो हमारे कई फैशन शो में मुलाकात हुई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये टिकटॉक क्या, ये टिकटॉक कर क्या, सॉरी जी जी जी, वो बाद में पता चला जब गाना वायरल हुआ ना, ढोले नु काला सूट सोना लगे, मैं था क्या था काम चंगा यार। वो फिर बाद में बचपन टिकटॉक होता है, ये होता है, वो होता है, मेरे बच्चे बताते हैं कि पापा ये है, ये इंस्टाग्राम, अब अल्लाह की कसम खा कहता हूँ मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम। तुसी तीन हरी कहते था नहीं पता सी मान ले है कई कई होण आके बैठे टीवी तो उन्होंने दस रहे फिर इस तरह फिर जब वो अच्छा। गाना वायरल हुआ फिर दोबारा डॉली जी के साथ बनाया जी। तो अब मुख्तलिफ जितने मॉडल्स हैं या जो मैं समझता हूँ कि वो काम कर सकते हैं उनके साथ अब। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और जहाँ हम लोग ईद की ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, द ट्रेडिशनल फ्रेंड ऑफ माइन साइम, आपके घर में ईद सेकंड डे, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट डे पे तो आपने कर ली कुर्बानी वगैरह सारा कुछ, गोश्त नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली आप मैसेज। हाँ, आप बताएं भाई, फर्स्ट डे ज़्यादा एंजॉय करते हैं या सेकंड डे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? यार आपस की बात है, मैं तो तीनों दिन एंजॉय करता हूँ, वो इसलिए भी क्योंकि फैमिली वालों से और दोस्तों से एक तो मुलाकात का बहाना बन जाता है, और ये जो ये ईद है ये मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक सेंट, बट ये है कि वो जो लोग जो मुस्तक हैं जिनको गोश्त खाने का, हम तो वैसे ही खा के जो है वो सारी हमारी जो माशाल्लाह पंजाबी जो लोग हैं जो खाबे खाने के शौकीन हैं, बस आप मेरी तरफ देख के ना कहें आप आगे बात। हाँ, मैं इसलिए वहां से देख रहे हैं इंट्रो को बदला है, आ रहा है ना, बदला आ रहा है, मैं देख रहा हूं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता।
अच्छा, तो वो बस जो लोग ज़्यादा मुस्तक हैं उनके साथ आई पर्सनली लाइक टू गो विद माई फादर, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको हाथ से ज़रा मिल के भी बातें करके अच्छा लगता है लोगों की ज़िंदगियों में जानना मुझे। वो एक कुएं का मेंढक बनने का शौक नहीं रहा, पहले कभी होता होगा आई एम श्योर, एवरीबडी लर्न विद टाइम, और स्पेशली अब एक जो एक लाइफ चेंज हुई है उसके बाद भी वो एक एहसास जो है जिम्मेदारी का कि नहीं इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, देर आर पीपल अराउंड यू, आपकी जिंदगी मुझे लगता है ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। और शादी के बाद ये देखिए मुझे ये लगता है शादी के बाद, हाँ क्योंकि मैं शादी के बाद जिंदगी मीनिंगफुल हो जाती है, बन जाती है भाई बिल्कुल। मैं कहता हूँ आपकी बाइक पे पीछे एक और सीट है, उसमें बैग बंधा हुआ है, वो बैग हट सकता है, इजी पैसा डबल रही हो सकता है, बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। आई थिंक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप जितना मर्जी बचकाना हरकतें कर लें या आप कोई भी एज ब्रैकेट से बिलोंग करते हैं, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आप इस रिश्ते में दाखिल होते हैं वो आ जाती है ऑटोमेटिकली। आई थिंक वो ये उस रिश्ते की शायद ताकत है, या मैं भी पहले इन बातों पर बिलीव नहीं करता था, आई वॉज़ ए फ्री बर्ड और जहाँ दिल करता था उठ के चला जाता था, और यू नो आप जानते जी मैं जानता हूँ, हाँ जी तो वो चीज़ें अल्लाह ना करे कि उमैर के वालदैन अभी ये प्रोग्राम देख रहे हों और ये सुन रहे हों कि वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है, नहीं मैं वो बातें जो कर रहे हैं वो उसके मेरे पे वो इधर से उधर चल रही है, वो देखिए देखो वो क्या बातें कर रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। एनीवे मूविंग ऑन जहाँ हम लोग हर एक साथ बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है महा, आपने जो स्किन केयर की बात की है, हम लोग पहले आप इनसे बात करें क्योंकि इनके पास दो तीन सवाल हैं जो इन्होंने बड़ी देर से रोक के रखे हुए हैं। महा मुझे ये बताओ कि ईद पे कुकिंग भी कर रही होती हैं लड़कियां, किचन में भी जा रही होती हैं, खाना भी बना रही होती हैं, बड़ा सटल एंड स्मूथ मेकअप होता है, लेकिन जब रात को मेकअप रिमूव करने की बारी आती है तो वो क्लिनजिंग वाइप्स होती है, जल्दी से मेकअप उतारा और सो गए, तो क्लिनजिंग वाइप्स के बारे में मुझे आप कुछ बता रही थी प्रोग्राम से पहले, वो हम सबको बताओ। मैं पर्सनली क्लिनजिंग वाइप्स के टोटली अगेंस्ट हूँ, बिकॉज एक ये सेलिब्रिटी ट्रेंड सेट हो गया है ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स जो हैं कि जी क्लिनजिंग वाइप्स लें, वाइप ऑफ करें, दैट सेट आपका काम फिनिश हो गया, दैट्स नॉट ट्रू। देखिए वो जो वाइप है अगर वो आपके फेस से एक कहते हैं लेयर रिमूव कर रहा है ना, तो उसमें कोई चीज़ ऑलरेडी है, वो चीज़ को कैसे आप रिमूव कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ये नॉट एवरी वन आस्क दैट, कि आपको एक चीज़ आपके केमिकली आप एक चीज़ रिमूव कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो एक ब्लॉक के जा रही थी, आपकी स्किन पे एक और लेयर आ जाती है, नो वन थिंक्स अबाउट वॉशिंग देयर फेस आफ्टरवर्ड्स। फिर स्पेशली ये इशू आप देखें सलॉन्स में ईद से पहले इतना रश नहीं होता जितना ईद के बाद होता है, क्यों? एकदम से एक्नी ब्रेकेज होती है, एकदम से पोर्स ब्लॉक होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, दैट्स बिकॉज ऑफ देयर रूटीन। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक अगर वो नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, लाइक सिंपली हर घर में कोकोनट ऑयल होता है, बिल्कुल सरसों का तेल हर घर में होता है, अब वो यूज करें, इट टेक्स सेकंड्स, आप जल्दी से करें, एग्जैक्टली आप सिंपली उसके बाद आप फेस वॉश यूज करते हैं या सोप यूज करते हैं उससे वॉश ऑफ कर लें, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, बट दैट विल सेव योर स्किन फॉर लाइक एजेस। आई नो बिकॉज ये रूटीन बिल्डअप होती है, एक दिन में नहीं होता, एक दिन आपको लगेगा हाँ इट्स डन, इट्स ओके, इट्स फाइन। देखिए वो वंस एंड अ वाइल वाली चीज है, आप उसको परमानेंटली अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या कुकिंग वगैरह भी की? कल का दिन कैसे गुजारा, क्या बनाया खाने में? वी हैड बारबेक्यू बिकॉज लाइक दैट अकेले यार मतलब सबका यहाँ खाना लाना जरूरी है अहमद। मैं वैसे कह रहा हूँ कि बंदा शो पे आ रहा होता कहता जी ये कल के आप क्या लाए, कल की कलेजी है सर, ये हमारे लिए आप क्या शायद थोड़ा मैं आप लोगों के लिए खुशियां लेके आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए इजी पैसा राही का स्टार लेके आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड कॉफी मेरे लिए लाए हैं, ठंडी हवाएं लेके आया हूँ। Assalamualaikum and welcome back from the break. आप देख रहे हैं A Plus की special Eid transmission जिसका नाम है मिलन है Eid। और आज हमारे साथ Easy Paisa राही के creator, the host and idea जिनका था और theme song everything I think from A to Z apart from direction has been done by this man and Umair Jaiswal is in the studios with us. Sir, thank you for taking time out. Thank you. Inception की बात करते हैं सबसे पहले कि brand को ये pitch किस तरह हुआ? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ईजी पैसा एक ऐसा ब्रांड है जिसने हमारे फाइनेंसिस को रेवोल्यूशनाइज किया। वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ कैशलेस सोसाइटी, एज अब कोविड के बाद तो लोग और डर गए हैं नोट से, सो कैशलेस सोसाइटी के अंदर ईजी पैसा इज़ द पाइनियर
and is the brand now targeting to the millennials. So when I met the Easy Paisa people, unke brand ka jo vision tha, aur jo thematic tha, wo bada basic tha. They want the millennials, jo hamare youngsters hain, they want them to follow their dreams, be the captain of their own ship, follow their dreams, freedom. And take freedom and take that first step. And a, you know, an app that gives you that freedom anywhere in on the journey, anywhere in your life. So similarly on my journey, mere paas sirf ek koi cash nahi tha. I just had the app. And I used the app to pay my bills, to eat food, to hotels, restaurants. Pakistan mein har jagah inki coverage hai. Har banda easy paise se kaam karta hai. So brand ka vision, ye to wo services hai, which they're amazing at. But the young people at the brand, unka vision bahut bada tha. They wanted to create, in the first time in the history of Pakistan, they wanted to create a thematic of a brand. कि एक ब्रांड अगर एक personify करे एक इंसान को या एक ह्यूमन स्टोरी हो उस ब्रांड की तो वो क्या होगी. आई थिंक दैट्स ब्रेव, दैट्स समथिंग जो इंटरनेशनल ब्रांड्स करते हैं. हमारे यहाँ लोग बस एक आइडिया पकड़ते हैं, उसको छापना शुरू कर देते हैं, उसके वर्जन्स, वाटर डाउन वर्जन्स बनाना शुरू. सो आई विल गिव, जहाँ तक क्रिएटिंग की बात है, येस द आइडिया केम टू मी अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग अप नॉर्थ, बट फॉर क्रिएटिंग दिस द ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द ब्रांड गेव मी द फ्रीडम. जिंदगी में पहले मैंने 15 साल से ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, कभी इतनी फ्रीडम नहीं मिलती जो उन्होंने दी. एंड जो ऑर्गेनिक नेचर शो की फील होती है, जो आपने भी देखा, लोगों ने देखा, एंड पीपल आर लविंग इट, वो इसीलिए ईद के फर्स्ट डे आपकी फर्स्ट एपिसोड आई है. या एंड इट वाज वेरी मूविंग, वेरी कैप्टिवेटिंग, पीपल गॉट रियली इंस्पायर्ड. और उसकी रीज़न ये है कि पूरे शो में सिर्फ सच है, कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है. इट्स एन ऑनेस्ट स्टोरी कि उमेर जसवाल इतने सालों के बाद, बट सब यू बिन अ म्यूजिशियन वे बिफोर मी, एंड आपको पता है कि हम बर्न आउट हो जाते हैं, हम अपनी इंस्पिरेशन खो देते हैं जब हम कॉन्सर्ट्स, टूर्स और हर वक्त ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं. सो देयर कम्स अ पॉइंट जब हमारे पास कहने के लिए बातें खत्म हो जाती हैं, हमें लगता है कि वी नीड टू बी इंस्पायर्ड अगेन. सो फॉर मी दिस जर्नी वॉज ऑल अबाउट गोइंग आउट देयर, फाइंडिंग व्हाट्स रियली देयर एंड व्हाट रियली मैटर्स. कोई ऐसा पॉइंट आया था यहाँ कि आप कह रहे हैं कि मैं ट्रैवल ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहा था, एंड आपकी प्रोडक्शन टीम आपके साथ होती थी, तो कौन सा ऐसा पॉइंट आया था जहां आपको वाकई लगा कि यार ये हम लोग मतलब फंस गए हैं यहां. बहुत जगह पे ऐसा हुआ, मैं कोई 6 दफा गिरा हूं बाइक से. बट यू नो वी हैव सम अमेजिंग पीपल विद अस. बाइक कौन सी थी आपके साथ? इट्स BMW एडवेंचर बाइक 1200. वो अली अजमत वाली? बिल्कुल, एग्जैक्टली अली अजमत. इट्स अ ग्रेट बाइक. And I would also like to give credit to Vertical Twins, जो कि हमारे logistics के हमारे अपने दोस्त हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा support दी for a bike this big traveling through Pakistan. कहीं भी ख़राब हो सकती है, बारिश हो सकती है. बारिश में तो हमने बहुत bike चलाया, बारिश में तो इतना वो नहीं है. But all the people, the whole team, मेरे लिए ये show every जो हमारे drivers थे उनसे ले के हर बंदे के लिए, क्योंकि वो लोग इतनी ownership लेते हैं इस चीज़ की. They were so excited. हमारे साथ एक driver था जो जब हमारे साथ गवादर पहुँचा, so he got so emotional, he hugged me and he was in tears. मैंने कहा क्या हो गया लाला, क्यों परेशान क्यों हो गया एकदम? कहते कि मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैं बड़ी दफ़ा बलोचिस्तान गुजरा हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं आके समंदर देख सकूँ. सो लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है अपने कामों में मसरूफ. यू डोंट टेक अ मिनट आउट फॉर योर सेल्फ. दिस शो इज़ ओनली टेलिंग यू कि यार वो एक मिनट लें और ये जो वक्त है इसको लम्हे में कन्वर्ट कर लें और उस लम्हे को जी लें. फर्क सिर्फ यह है कि वक्त कटता है, लम्हा जो है वो हमेशा के लिए होता है, याद रह जाता है. सो इट्स अबाउट क्रिएटिंग दोज मोमेंट्स इन लाइफ व्हिच इंस्पायर यू टू डू गुड. अच्छा, यू बीइंग अ म्यूजिशियन आल्सो, और ऑब्वियसली बात है जब आपने इसको कंसीव किया तो थीम सॉन्ग जब इसके आपने बनाई जिसका नाम है राही, लिरिक्स आपने खुद लिखे इसके और कंपोजिशन भी आपने खुद? सो कंपोजिशन एंड लिरिक्स, सरमद गफूर, बिग नेम इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, one of my best friends, and he's been there for me throughout my journey. He was my guitar player in Chaos as well, and ever since has been my producer. He's a genius when it comes to compositions. उन्होंने आतिफ के साथ बहुत सारी जिंदगी, 10-12 साल उनके साथ भी काम किया. उन्होंने ये कॉम्पोजिशन बनाई, वी क्रिएटेड अ सॉन्ग दैट वुड केटर एंड कैरी द फील एंड एसेंस ऑफ द शो. एंड उसमें काफ़ी ऑर्केस्ट्रल पार्ट्स हैं, सो वी गॉट सम ऑर्केस्ट्रल पार्ट्स प्लेड फ्रॉम अब्रॉड. हमने वी गॉट इट इन टू द शो. आइडिया मेरा ये था कि म्यूज़िक भी ऑर्गेनिक होना चाहिए. सो इस शो में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि हमने शुरू में कोशिश की कि हम इसको स्क्रिप्ट करते हैं, लाइक एनी प्रोडक्शन. दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एज अ प्रोडक्शन एज वेल, माय ओन प्रोडक्शन कंपनी यूजे प्रोडक्शन. सो जब हमने करना शुरू किया तो यू डू एवरीथिंग राइट, क्या हाँ या प्री प्रोडक्शन होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए, स्क्रीन प्ले होना चाहिए और ब्रेक डाउन होना चाहिए चीज़ का. जब आप रोड पर जाते हैं तो रोड आपको स्ट्रिप डाउन कर देती है हर चीज़. रोड कहती है तुमने सोचा था धूप निकलेगी, येलो बादल, येलो बारिश,
अच्छा तुमने सोचा तुम्हें यहाँ ये बंदा मिलेगा, ये लो मैं ये बंदा ही गायब कर देता हूँ, आज तुम्हें नया बंदा मिलेगा कोई. सो द शो रोट इट सेल्फ एंड दैट्स द ऑर्गेनिक नेचर ऑफ द शो. सो जो भी मैंने फील किया ऑन दिस जर्नी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जब ये लोग देखेंगे, ये प्री कोविड हुआ है शो. जब ये प्री कोविड हुआ है तो जो ह्यूमन कनेक्शन का एलिमेंट है, आपको रियलाइज होगा कि हम अच्छे वक्तों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं. जब हम खुल के हंस सकते हैं, मिल सकते हैं, गले लगा सकते हैं एक दूसरे को. इस शो में इतनी झपियां, इतने हाथ मिलाए हैं मैंने कि मुझे अब अगर अभी को देखे तो क्या भाई सोशल डिस्टेंसिंग कहां गई आपकी. बट दिस इज बिफोर दैट. और मैं इस शो से ये कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम यू हग समवन, डू इट विद ऑल योर हार्ट, नो दैट यू मीन इट, बिकॉज यू नेवर नो कि हमारी दुनिया के हालात कब चेंज हो जाते हैं. हमने कभी सोचा था कि हम ऐसे हालात भी देखें? नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचा था मैंने. सो आई थिंक म्यूजिक भी इसी तरह इवॉल्व हुआ. इंस्पिरेशन जितनी रोड से मिली उसके हिसाब से लिखा गया. एंड द म्यूजिक एंड द होल जर्नी, एवरी एपिसोड टेल्स अ स्टोरी. एंड अगेन कमिंग बैक टू द ब्रांड, गेव मी फुल कॉन्फिडेंस, गेव मी फुल क्रिएटिव कंट्रोल. वी ट्राइड वर्किंग विद अ फ्यू राइटर्स जो कि बहुत अच्छे हैं, बट मुझे एक बहुत बड़े नाम बलूचिस्तान के बहुत बड़े एक लिटरेरी इंसान है, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अपना सच अपनी ज़बान में अच्छा लगता है, चाहे वो ज़बान टूटी फूटी भी हो. क्या बात. तो अपनी ज़बान में बोलो तो तुम्हारा सच सच लगेगा, किसी और की लिखी हुई चीज़ बोलोगे तो इश्तिहार लगेगा. और देन दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस टू फर्स्ट टाइम राइट अ प्रोजेक्ट. So when I wrote it, that also changed my life. It was a very self-reflective process. Well, it's been a very emotional experience for you as well. Indeed, it has changed me in so many ways. मैंने पाकिस्तान को इस तरह से कभी नहीं देखा था, और कितनी अफसोस की बात है कि मैंने ज़िंदगी में अभी तक पाकिस्तान को इस तरह से नहीं देखा था. और मैं यही कहूँगा कि हम लोग अपने, हमारे बड़े कंसेप्शंस होते हैं, हमने बड़े दिमाग में अपनी एक बायस होता है हमारा. मैं जब घर से निकल रहा था पहले दिन, तो मैंने कहा था मेरा बायस मेरे कमरे में, अब मैं ब्लैंक हूँ, आई विल गो आउट एंड आई विल फील एंड एक्सपीरियंस. मैं आपको बताऊंगा कि मुझे हर सूबे पाकिस्तान के, हर जगह 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 के लोगों से, जिनके बारे में मुझे लोगों ने बताया था ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनसे बच के रहना, ये ऐसे होंगे, या ये बहुत ख़तरनाक है, या ये तुम्हें लूट लेंगे, मुझे लोगों ने बाजू पकड़ के, बट साहब बिठा के ज़बरदस्ती चाय पिलाई है, रोटियाँ खिलाई हैं. और उनको जब तक मैं मास्क नहीं उतारता था, पूरा गेयर नहीं उतारता, उनको नहीं पता लगता था कि वो मैं जसवाल है. वो ये एक आम आदमी के लिए कर रहे थे, वो मैं जसवाल के लिए नहीं कर रहे थे. कोई कैमराज नहीं थे, क्योंकि कैमरे वाले क्रू शुरू बहुत पीछे रह जाते थे, बाइक तेज़ निकल जाता था, और मैं आगे आधा आधा घंटा पहले रुक के किसी चौकी पे पुलिस वालों के साथ, एफसी वालों के साथ बैठ के चाय पी रहा होता था. तो इट वाज हार्ट वार्मिंग फॉर मी कि हम लोगों को कितनी गलत परसेप्शन दी जाती है. मैं यही कहूँगा कि आप निकलें अपने घर से बाहर, अपना सच खुद तलाश करें. दैट्स व्हाट द शो इज़ अबाउट, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंस्पायर यू टू डू, एंड दैट्स व्हाट द ब्रांड रियली वांट्स, फॉर यू टू बी द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप. दाद साहब, इतना खूबसूरत गाना, इतना खूबसूरत गाना सराय की आवाज में गाना किया गया है. नहीं 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 नहीं, वो जब हम ब्रेक्स, सर आप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप भी सही. उसमें कुछ लिरिक्स जो थे वो आपके लिए थे, कुछ मेरे लिए. ये बात अच्छा, ये सराय की जो है ये हर किसी के बस की बात नहीं है सराय की बोलना, और बड़ी मीठी और खूबसूरत जबान है. लेकिन आपने इतना खूबसूरती से इस गाने को गाया और बड़ी मिठास के साथ गाया, तो मैं कहूंगी कि आप मुझे सराइकी में सिर्फ डू कह के दिखा दें, क्योंकि गाना तो आपने गा ही लिया. डू डू देखा, डू कहना है आपने, डू डू नहीं, ये डू. नाज़रीन ये कल से डू करवाना चाह रही हैं, मगर ये डू हो नहीं रहा. एनीवे फारिया ने हमें इस ब्रेक में ज्वाइन किया है. फारिया क्या हाल है आपके? ठीक है? मैं ठीक हूं, आप लोग कैसे? बहुत डिसेंट लग रही हैं आप. थैंक यू सो मच. अच्छा, ईद के मौके पे ऑब्वियसली बात है, आज हम लोग सेकंड डे इकट्ठे हुए हैं. ईद पे आपने, फर्स्ट डे आपने कैसे मनाई ईद, और सेकंड डे आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो सेकंड डे आपने क्या किया? फर्स्ट डे हमारे घर में शुरू से ये है कि हम कुर्बानी करते हैं. लाइक फर्स्ट डे ही होती है, सेकंड थर्ड डे नहीं होती है. और फैमिली में आना जाना होता है, चाचू आते हैं, खाला मामू, सबके घर मिलना जुलना ही होता है. बट इस दफ़ा ईद का वो मज़ा नहीं रहा जिस तरह रौनक पहले होती थी इस पेंडेमिक की वजह से. हाँ एग्जैक्टली, हाँ उस तरह से नहीं ईद स्पेंड कर सके. अपने लिए भी हम उस तरह शॉपिंग नहीं कर सके, बस घर में ही रहे. जोड़ा लेकिन बहुत हसीन पहना हुआ, लग नहीं रहा कि तुमने अपने लिए शॉपिंग नहीं की. फुल तैयारी के साथ तुम यहाँ आई हुई हो, तो शायद आप ये सोचें कि अगर सही ईद होती तो मैं कैसी आती. डिसेंट आती है ये तुम, ऐसे
मत सुलझा दो। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा साइम, आप डिसेंट नहीं लग रहे, आप तो बड़े शोखे लग रहे हैं। नहीं नहीं, I love your कुर्ता, because मैंने आते साथ ही इसको यही कहा, मैंने कहा साइम ये कुर्ता कहाँ से आया है, तो इसने मुझे बताया कि अच्छा वैसे बता दें ये कहाँ का कुर्ता। जी जी बिल्कुल, ये मेरी दोस्त हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं, सोनिया हमायूं, जिनका ब्रांड है कामदानी। ओके, तो उन्होंने मुझे ये ईद का तोहफा भेजा था। जबरदस्त, बहुत। तो उनको जरा कहिएगा कि मेरा साइज भी है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अभी उनको कॉल जाएगी और फिर एक डिलीवरी आएगी। शादी हो गई है, ईद पे क्या चीज नई महसूस हो रही है और किस तरह कोप कर रहे हैं? इज शी बॉसी और नहीं? नहीं, वो एक तो मेरे से खासी छोटी हैं, तो वो पढ़ रही थी। वो मेरी बेगम भी मेरे से छोटी है, लेकिन अच्छा वो रुतबे में काफ़ी बड़ी है। देखें वो ये वाले रुतबे तो आई थिंक दिलों में होते हैं, और क्या कहते हैं, अगर आप जहन और दिल से अपनी जोजा मोहतरमा के लिए मोहब्बत रखते हैं, एहतराम रखते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मुझे लगता है कि वो उनका होना मेरी लाइफ में अभी तो खैर स्टार्ट है, अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही चले। टक भाई, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक टक पालू। एक दो टक यहाँ भी लगे थे शुभ करते हुए। मैं ये बता रहा था कि आज मेरी वाइफ को मैं बता रहा था कि मैं आज अहमद भाई के शो पे जा रहा था, आ रहा हूँ मतलब आ रहा था, तो वो कह रही थी कि मुझे बहुत पसंद है, आप उनको मेरा सलाम दीजिएगा। और वो कह रही थी कि आप कुछ लेकर जाएं, कोई वन डिश पार्टी करें या कुछ। इनके लिए तो देग आपको लानी पड़ती, मतलब वन डिश क्या, मतलब क्या आपको। अरे एक मिनट, को हंसे नहीं, आपको लगता है कि ये इतना खाते होंगे, इतना नहीं खाते। मैंने इनके साथ बहुत ट्रेवल किया है, मैंने इनके साथ शोज किए हैं, काम किए, ये बहुत मतलब इतना नहीं खाते, खाते हैं। नाज़रीन इसको कहते हैं रब्बी। जी अच्छा, वो क्रीम की बात करें, वो जो आपने इनको देनी है, वो क्रीम आपने खुद बनाई है, स्किन केयर क्रीम जो है, क्रीम इन्होंने मुझे दी है, हेयर ऑयल इन्होंने मुझे दिया है, आपने सब कुछ वहां दिया है, मुझे दिया है, आते ही मुझे गिफ्ट्स मिले। आपको किसी ने बताया नहीं था, इस प्रोग्राम के दो होस्ट हैं अभी, उनको ना एक प्रोडक्ट दी है, आपको फुल रेंज आने वाली है। ओह यू नो इट्स द डिफरेंस, डाई चेंज हो गई है, देखिए ना, आपने सही जगह ब्रांडिंग की है। हे गर्ल, आई एम गोना टैग या आई एम गोना गेट द फुल रेंज या। और उस फुल रेंज में क्या होगा? उसमें हमारे पास अभी जो है लिपिन चीक टिंट, मेरे बाल हैं, टिंट नहीं है, अच्छा टिंट की बात करें, अच्छा मैं कह लिपिन चीक टिंट अभी जो फर्स्ट है वो सारी रिस्टोरेटिव प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर एक हेयर ऑयल है, एक स्किन मास्क है, दो फेस सीरम्स है, और एक हैंड एंड फुट क्रीम है। जो इस सारी रेंज का आइडिया है वो ये है कि आपकी जो एक्चुअल स्किन है, जो एक्चुअल ब्यूटी है, उसको रिस्टोर करें। बिकॉज मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि मेकअप इज़ जस्ट एन एक्सेसरी, आप जो हैं खुद आपकी स्किन है, आप वो दैट इज द रियल यू, और उस पर आपको फोकस करना चाहिए। इफ़ योर स्किन इज़ गुड देन मेकअप भी अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। स्किन का हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। लेकिन खान साहब, सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, लेकिन ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ। ਹਾਮਿਦ, ਆਪਕੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਫੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਤਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਦੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਭੀ उसका कैमरा क्लोज हुआ है कुल्फी का, उसमें जवेद शेख साहब हैं, शरोज सब्जवारी मैं हूँ, मोहम्मद राना साहब हैं, सना फ़ख्र, काफ़ी बड़ी कास्ट है। उसमें मैं और शरोज लीड कर रहे हैं फिल्म को। अच्छा। और एक डिफरेंट सब्जेक्ट में मूवी है, साइबर क्राइम पे, और कुल्फी रखी है, कुल्फी एक्चुअली डिफरेंट मूवी है मगर नाम कुल्फी। एक्चुअली उसमें यही एक डिफरेंट कि नेम उसका जो है उससे रिलेट नहीं करता, लोग समझते हैं कि ये कोई बैडिंग पे फिल्म होगी या डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे होगी, बट इट्स अ कॉमेडी एक्शन मूवी। अच्छा। और इसमें शामिल खान हैं, मीन्स बहुत मतलब अच्छे तरीके से डिफरेंट करेक्टर्स हैं। और ये फिल्म अभी आ रही है, इसमें इसको डायरेक्ट किया बहुत फेमस DOP हैं, सलीम दाद साहब।
उन्होंने डायरेक्ट किया है और इसको प्रोड्यूसर और राइटर हैं डॉक्टर मशहूद कादरी, उनकी एक मूवी बहुत फेमस हुई थी नेटफ्लिक्स पे उड़ान, वो मूवी मगर अभी मेरे ख्याल अगले साल अब आएगी रिलीज, ये बिल्कुल अगले साल इंशाल्लाह रिलीज होगी। उसके अलावा एक सरप्राइज है, इनके फ्रेंड के साथ मैंने फिल्म साइन की है, बट वो इनके 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 नहीं क्या क्या की जो कि एक बायोपिक है और हमारे बहुत फेमस क्रिकेटर के ऊपर बायोपिक बन रही है और मैं चाहूँगा वो एक सरप्राइज रहे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो नहीं डेफिनेटली फ्लोर पे जा रही है, हालात बेहतर हों और इंडस्ट्री हमारी खुले। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा आज के सिनेमा रिवाइवल जो हुआ है उनमें से अहमद अली भट्ट साहब जो है ना, इनका बहुत किरदार है कि जो अच्छी मूवीज दी और लोगों को सिनेमा तक लेके आए। खुश हो जाए। और इनकी जितनी मूवीज आई ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में, तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग देखते हैं। आप अच्छी फिल्म बनाएंगे क्यों नहीं लोग देखेंगे। अच्छा, इसी खुशी के मौके पे एक गाना हो जाए, क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि ईद का मौका है। किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जालड़। And welcome back from the break. मेरा नाम है मदली भट्ट है और मेरा नाम है हिना नियाज़ी और आप देख रहे हैं A Plus की special e-transmission जिसका नाम है मिलन है ईद और हमारे साथ Rag Boys मौजूद हैं और बहुत ही decent फारिया भी मौजूद है और by the way उस game में मैं ये बताना चाहता था कि आप दोनों में से winner कौन है। आप दोनों में से winner ये हैं। वो बेचारे सोच रहे थे म्यूजिक ऑन द स्पॉट लेके आ रहे थे। ये तो है, हम शो नहीं करा सकते थे ना, एक्टिंग इसी का तो नाम है। ये आपको किसने कहा एक्टिंग इस चीज का नाम है कि शो ही ना करो। ये भी अच्छा, मुझे बताएं आप स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो आप ड्रामा कर रही हैं जीटी रोड, इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी आपके कैरेक्टर की स्पेशली? मुझे आप ही की फिल्म का जो है ये जवानी है दोबारा नहीं आएगी, ये जवानी है दोबारा नहीं आएगी, नाम भूल गई हूँ, हाँ जवानी फिर नहीं आएगी। सॉरी मैं भूल गई थी। नहीं, अच्छा होमवर्क किया आपने। तो उसमें जो पठान का बिकॉज आई एम प्लेइंग पठान का कैरेक्टर है ना, तो वो फिर मुझे सबने कहा था कि जो आपकी की फिल्म का जो सरवत गेलानी जी ने किया है उनको मैंने वॉच किया। पश्तो नहीं बोली थी लेकिन उर्दू ऐसी है। अच्छा ये माशाल्लाह, अच्छा यही चीज अगर आप आपको ये जो दूसरी जबान है सिराइकी में जरा बताएं आपके साथ क्या पड़ा हुआ? मेरे बहुत मज़ेदार एक शेयर पहिए उम्र की बहुत मज़ेदार कुल्फियाँ पहिया ने खाना चाहते हो बहुत मज़ेदार फ्लेवर्स इन चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वैनिला तो तुम हम अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हो ना कुल्फियाँ के जरिए अगर तुम खाना चाहते हो बहुत मीठी है बहुत मज़ेदार उन्होंने फ्लेवर्स इन तो अगर कहनू अपने दिल की गल दसना चाहते हो तो चाहते हो कि मिठास ना उन्होंने गल दसो तो खाने तो बाद दस सकते हो मेरे ख्याल। अगर इसके बाद भी आपको इश्तिहार ना मिले तो यही चीज अब उर्दू में भी कहते हैं वो आए नहीं बहुत मजे की ये कुल्फी है ओमोर की चॉकलेट ओमोजी है और कूल ओमोजी है इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं स्ट्रॉबेरी वेनिला चॉकलेट और अब आप अपने इमोशंस को स्टाइल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बात है। अगला गाना हम कौन सा सुनेंगे? बिल्कुल रंग शकदा चढ़े यानी मनु रंग शकदा चढ़े मेरा पिया वेड़े वड़े मनु रंग शकदा चढ़े। क्या बात। और जाने से पहले आप हमारे ऑडियंस को क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस ईद पे भी और जैसा कि हर ईद पे आप ख्याल रखते हैं दूसरों का भी और इस ईद पे SOPs का ख्याल रखते हुए आप उन लोगों का भी ख्याल रखें जो कि सारा साल वेट करते हैं इस दिन का कि इस दिन गोश्त मिलेगा खाने को। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो कि हकदार हैं। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत मैसेज। आप लोग भी कुछ कहना? मैं कहना चाहूँगा कि लोग ईद तो मनाते हैं ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, मगर उसमें ये होता है ईद उल फितर में कपड़े पहन लिए नमाज पढ़ ली और ईद उल अज़हा पे कुर्बानी कर ली, मगर मेरे ही सब लोगों को ये मैसेज है अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या अपने आप को अपने आप को बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें।
सबसे मेन बात ये है। खाली ईद इसका गाना हम नहीं बकरे ज़बह कर दें, उसको समझने की भी कोशिश करें कि ये सारा है क्या, ये उसका मकसद क्या है। उसका मकसद है छोटों से प्यार करें और बड़ों की इज्जत करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, अगर कोई नीडी है तो उसकी हेल्प करने की कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो। और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को मैं बहुत इस चीज़ों को हम लोग, हमने तो यही किया, हम लोग यही करते हैं आज जो कुछ भी, जो हम लोग ऑन स्टेज भी कहते हैं कि हम लोग ऑन स्टेज कहते हैं कि हम लोग जो कुछ हैं आज अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से। और मैं एम एल भाई कहना चाहूँगा कि मेरी दादी जब उस्ताद मानत अली खान से उस्ताद फतेह अली खान से बहुत नाम हो गया, उस वक्त मेरी दादी को फिक्र था कि मेरे हामिद का नाम कैसे होगा। अब उन्होंने गाना जिस पीक पर छोड़ा था दोनों भाइयों ने, उसका असद मानत अली खान और अब्बू का, उन्होंने इन्होंने इतना अदब किया कि देखिए एक होता है कि एक बेटे तो सब भी होते हैं, पाँच होते हैं, चार होते हैं, दो भी जो एक ठीक होते हैं एक नॉर्मल होते हैं, अल्लाह तआला ने तीनों भाई तीनों का नाम सेम फील्ड में, सेम फील्ड में, और तीनों प्राइड परफॉर्मेंस है और तीनों अल्लाह तआला ने टैलेंट पे आते हैं और वही अल्लाह करे आप लोग हमेशा ही लेगेसी आप। And welcome back from the break. आप देख रहे हैं A Plus की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है मिलन है ईद। और जहां हम ईद की बात कर रहे हैं, we have a special message with Allpurs Milk, all the goodness of Allpurs Milk in new flavors, strawberry and chocolate with added calcium and vitamin A and D. और अहमद हमारे साथ यहां पे शेफ मौजूद हैं, उस्मान मजीद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। क्या बना रहे हो आप हमारे लिए? बहुत भूख लग रही है और जल्दी से बताओ। मेरा ख्याल है आज बहुत सारी चीजें मैं बना रहा हूं जिसके अंदर बारबेक्यू बना रहा हूं। बेसिकली सेकेंड डे है तो अक्सर लोग बारबेक्यू करते हैं, तो मैंने बारबेक्यू रखा हुआ है जिसमें मेरे पास सीख कबाब है, मलाई बोटी है और टिक्का बोटी है। इनको अहमद से आपने छुपा के रखने? नहीं जरूर, क्योंकि अगर ये आप यूं करें आप इसको जेबों में डाल दें छुपा के रखने। अच्छा भाई देखें, बारबेक्यू एक्सपर्ट हूँ मैं, वैसे भी मैं घर में अपना बारबेक्यू अक्सर मैं करता रहता हूँ इसलिए मगर शेफ से मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी रेसिपी क्या है, क्या मसाला लगाया हुआ है इसमें? हम लोगों ने कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, अक्सर लोग घरों पे बनाते हैं सीक्रेट। लेकिन यस सीक्रेट सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सीक्रेट नहीं रहने वाले क्योंकि आप हमें बताने वाले हैं। इसको बनाने का जैसे मलाई बोटी है हम लोग बनाते हैं अक्सर, तो हम डायरेक्टली मसाला लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे पहले मलाई बोटी आपने लेनी है, आपने उसका चिकन ले लिया, उसको विनेगर और सॉल्ट में डिप कर देना 30 मिनट्स के लिए। अच्छा। उससे वो टेंडर हो जाएगा अच्छा सा, देन हम उसको अच्छे से वॉश करके जो हम मलाई बोटी का मसाला बनाया होगा वो लगा देंगे, उससे हमारी मलाई बोटी बहुत यम्मी किस्म की। मलाई बोटी का मसाले में क्या मलाई का इस्तेमाल होता है? क्रीम का यूज होगा उसके अंदर, उसके अंदर हमारा लेमन जूस यूज होगा, सॉल्ट, व्हाइट पेपर एंड योगर्ट यूज होगा, ताकि वो बड़ा क्रीमी सा उसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा और फ्लेवर आ जाएगा। उस्मान मीठे में क्या बना रहे हो आज? मीठे में हमारे पास कस्टर्ड बन रहा है, वनीला कस्टर्ड, तो उसके ऊपर हम लोग जामाशीरी की टॉपिंग करेंगे। जामाशीरी की टॉपिंग करेंगे तो उससे बहुत जामाशीरी के जो प्रोडक्ट्स हैं भाई मेरे सारे घर में यूज करते हैं और सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ क्योंकि अक्सर मेरा गला खराब रहता है और हम लोगों को बोलना बहुत पड़ता है क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, तो जब गला खराब होता है, गले में दर्द होता है तो करशी का जौहर जुशांदा जो है वो बहुत इफेक्टिव है और मेरे पर्स में हमेशा ये रहता है। उसके अलावा तूत स्याह की अगर बात की जाए तो अगर गले में दर्द है, सोजिश है, खराश है, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, तो वो भी घर में रखें सब लोग और मैं तो भाई उसको यूज़ करती हूँ, मेरे घर में भी उसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ईद का मौका है तो जो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं और फिर बदहजमी हो जाती है उनको, तो एक और बड़े मजे की प्रोडक्ट है और अहमद यहाँ से फरार हो चुके हैं सीख लेके, करशी की गैस्ट्रोफिल। अगर आपको सीने में जलन है, बदहजमी हो रही है तो आप अगर ये ले लें तो बहुत मज़े की, मतलब जो भी आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो जाता है और आपको सीने में जलन और उस तरह की जो बर्निंग सेंसेशन है वो फील नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मुझे केक नज़र आ रहा है। यस, यहाँ पे मैंने केक ले लिया, फ्रूट केक ले लिया। ओके। अब मैंने मिक्सर मिक्स किया और अपना पाउडर को मिल्क में मिक्स कर लिया और दूसरी तरफ मैंने मिल्क लेके उसको अच्छे से बॉयल करके उसके अंदर शुगर ऐड कर ली। अच्छा, वो बॉयलिंग पे आ चुका है, जो मैंने मिक्सर पाउडर था कस्टर्ड का जी उसको मिल्क के अंदर मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दूंगा, और उसको साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियां ना बन जाएं। अगर आप एक दम सारा ही डाल देंगे तो वो गुठलियां बन जाएगी। अच्छा, ये सीख, ये जो सीख कबाब है बन चुका है? जी जी, तो मैं इसको टेस्ट कर सकती हूं? यस फॉर श्योर। ओके, ओ वेरी सॉफ्ट, वेरी हॉट। जबरदस्त, बहुत मजे का, बहुत मजे का भाई, और साथ साथ डिजर्ट भी बन रहा है। यस,
अच्छा इनको साइड पे क्यों रखा हुआ है? साइड पे रखे ताकि ड्राई ना हो जाएं। ड्राई ना हो जाएं। अगर ज्यादा ओवर कुक हो जाएंगी तो ये ड्राई हो जाएंगे, तो फिर खाने में मजा बिल्कुल नहीं। आप यहाँ बटर इसके ऊपर यूज कर रहे हो उसको सॉफ्ट करने के लिए, करने उसको बनाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं इसको लास्ट पे बटर यूज करूंगा, उससे ये बहुत ज्यादा जूसी हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। तो ये हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने लगाया और ये थिक हो चुका है। और अब मैं बिल्कुल ऐसे करूंगा जैसे मैंने ये बेस लगा के रख ली हुई थी। ठीक है, केक्स की केक की एक लेयर आपने लगाई हुई थी और उसके ऊपर आप कस्टर्ड को पोर करेंगे। कस्टर्ड को पोर करूंगा, उसके ऊपर आप लोग फ्रूट्स भी, कोई भी फ्रूट्स लगा सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं, बिल्कुल मैंगो, जैसे आजकल आम का सीजन है, आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसके अलावा अगर आपको सीजनल फ्रूट्स नहीं मिले तो आप फ्रूट कॉकटेल लेके फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी आप गार्निशिंग वगैरह के लिए, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका जो मिक्सर थिक हो चुका था, अब इसको अच्छे से, अब ये मेरा हो चुका है रेडी। मैं इसके ऊपर चाहूँ तो एक और लेयर लगा सकता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगा मैं, फ्रिज में रख दूंगा। देन इसके ऊपर हम लोग टॉपिंग करेंगे जामशीरी की। अच्छा आप हमें इसकी फाइनल लुक दिखा दो, क्योंकि हमारे पास टाइम उस तरह से ज्यादा नहीं है, तो आप हमें इसकी फाइनल लुक दिखा दो कि फाइनल लुक इसकी क्या होगी। जी तो नाजरीन, यहाँ हमारा बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट जो है वो तैयार हो चुका है, वेनिला कस्टर्ड, जिसकी टॉपिंग हमने की है जामशीरी से, और बड़ा इरेजिस्टिबल लग रहा है, और मुझे मीठा वैसे ही बड़ा पसंद है, तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ पे ब्रेक लूँगी, और ब्रेक लेते ही ये सारा जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। यहाँ लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And welcome back from the break. उम्मीद है कि आप उतना ही enjoy कर रहे हैं जितना हम enjoy कर रहे हैं। और आपने अगर barbecue अभी live miss किया है तो मैं आपको सिर्फ बताता जाऊं कि आए हाय 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 हाय, बहुत मजे का barbecue था, और अहमद ने बहुत ज्यादा खाया, सारे सीख कबाब इसी ने खाए हैं, मान सकते हैं आप? Obviously. इसमें ना मानने वाली क्या बात है भाई। Ladies and gentlemen, सराइकी में वो क्या कहते हैं कि बोंगी। अच्छा वेलकम बैक, आप देख रहे हैं A+ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, जिसका नाम है मिलन है ईद। और जहां मिलन की बात हो रही है वहां हमारे पास तीन नए गेस्ट हैं, और ये गेस्ट, इनका तारुफ मैं आपको करवाता जाऊं। एक तो सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की द वन एंड ओनली डीवा, लेडीज एंड जेंटलमैन, लैला इज हियर। बहुत खूबसूरत लग रही हैं लैला आप, आई लव योर जोड़ा, बहुत मतलब मजेदार काम हुआ है, और मेकअप भी जो है ना वो कमाल का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप खुद बहुत प्यारी लग रही हैं, और मेरा ये फेवरेट कलर है जो आपने पहना हुआ है, और ये चांद से नजर आ रही है जी। मैंने कहा जो आज इन्होंने पहना है ये चांद से नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप तो हमेशा की तरह माशाल्लाह, आपकी तो मैं क्या तारीफें करूं, इतने क्यूट हो, इतने प्यारे, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो। अच्छा बस, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो आप इतने अरसे बाद, इतना आप कहाँ गायब हैं? मैं थी गायब, आप सबको बताओगा, भाई की डेथ हो गई, अबू की डेथ हो गई, घर का फ्रॉड हो गया था, बस फिर 3 साल के लिए मैं चली गई थी साइड पे, और नाउ माशाल्लाह माह रमजान में कम बैक किया है, और बस अब आ गई हूँ। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी आर हैप्पी टू सी यू, और आई होप कि आप हमें इसी तरह एंटरटेन करती रहेंगी जिस तरह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जहाँ एंटरटेनमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमारे अगले गेस्ट बदमाश नहीं है लेकिन इनके गाने बड़े बदमाश होते हैं। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, और जहाँ पंजाबी की बात आती है और जहाँ भंगड़े की बात आती है तो बहुत खूबसूरत गाते हैं भाई। राही साहब से कम कोई भी नहीं, और लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज द वन एंड ओनली पंजाबी बॉय, ही इज द वन एंड ओनली द अल्टीमेट मजर राही। थैंक यू। हालांकि आज ये जो गेटअप है ये बड़ा जेंगो गेटअप है, अब मैंने वाकई नहीं पहचाना, मैंने वाकई नहीं पहचाना था, क्योंकि मुझे था, मैं कहा अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, जब जब इन्होंने कहा ना भट्ट साहब, मैं ओ है तपड़ा बंदा है, जेंटिंग पेंटिंग चेंज हो गई जरा थोड़ी सी, मगर ये बड़ी मजेदार लुक है। मैंने कहा वो फ्रेंच भी रख के दिखी आप जैसी, बड़ी अरसा वो रही फेल हो गए, तो मैंने ना, मेरा जोंदरा था वो भंगड़े का, तो मैंने ना अचानक गाने शुरू किए, वो सोना मशूक हुए, हाथी बदूक हुए, फिर कल साड़ियां से मैगजीना भर दे, छे छे गाने मैं जिन्हां नाल रहंदे ने, ओए होए लुक भी वैसी है, बंदे सिर फिरे असि जमदे नवाब हां, वैरियां ली बने असि शुरू तो अजाब हां, किसे दी मजाल की है साडे अगे खड़ जाए बड़े बड़े डौना दे ते खुद असि बाप हां, क्या बात है, गर्म ने खून साडे
अपने कानून साढ़े टॉप उत्ते सदा साढ़े नाम रहिंदे ने। कल साड़ियाँ से मैगजीना भर दे छे गाने मैं जिन्हें ना रहिंदे ने मैं गाटी हो रहा है और हमेशा आपके जो है ना, अच्छा ये आप लिखते भी खुद हैं? हाँ तभी ना, वैसे कैसे आता है इतना कुछ माइंड में ऐसे जहाँ हमारे पे इतने मजेदार गेस्ट हैं, एक हमारे पे नया चेहरा मौजूद है लेडीज एंड जेंटलमैन, मॉडलिंग कर चुकी हैं लेकिन पहला ड्रामे का डेब्यू इन्होंने जीटी रोड से किया है और शी इज द लीड एक्ट्रेस आल्सो एंड प्लीज वेलकम आमना विद अस, आमना राही। यस आमना, आप ज्यादा डर तो नहीं रही सबको देख के? नहीं क्यों डरेंगे, वो ये कैसी बात कर दी है भाई? मैं कहा होता ना कि कभी कभार बंदे को होता है कि अच्छा जी मैं राई साहब के नाल आ गया ऊपर जो गन मैन द कलेक्शन परफॉर्म, वो क्यूट सी स्वीट सी है वो, माशाल्लाह दो दो मुझको डरा रहे हो। और साथ में हमने ऐसे गेस्ट को बिठाया है जो मोहब्बतें बांट रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम तो मोहब्बत शक्ल से नहीं लग रहा मोहब्बतें बांट रहे हैं ना, कि अहमद इतना डैशिंग लग रहा है। हां नहीं मैं तो कहा मैंने सबसे पहले आके कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जोड़ा क्या एक दूसरे से पूछ के आज कोऑर्डिनेशन की भी थोड़ा की? हां हां कह लें आज हमारे पे जितने गेस्ट आए काले में आए अच्छा आज ज्यादातर जितने मर्द हजरात आए, असल में ईद का दूसरा दिन है ना, अच्छा तो पहले दिन रंग बिरंग उतर गया सारा अब वो काले में आ गया। साहब से पहले वो रागा बॉयज आए हुए थे तो वो वैसे ही इतने रंग बिरंगे असि रंग दे काले हैं पर दिल दे काले नहीं। क्या कह रहे बहुत अच्छे। अच्छा आमना मुझे बताएं भाई, आप क्योंकि आप अभी आपने अपना डेब्यू किया है, कैसा लग रहा है आपको जीटी रोड का फीडबैक और ड्रामा इतना अच्छा कर रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए पहली बार लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे मैंने बहुत कुछ सीखा सीनियर एक्टर्स से, बहुत कुछ सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा बहुत। और ये आपकी सीनियर एक्ट्रेस है? बेशक अच्छा हैं। अच्छा आप दोनों जीटी रोड में हैं तो कभी आप लोगों का एक दो सीन्स इकट्ठे भी हुए हैं? और सर अभी तक हमारा कुछ ऐसा इकट्ठा नहीं, वहाँ हमारा जो ओएसटी था वो सबका क्योंकि कंबाइन था तो उसमें उसमें पूरी काम भी थी, अदरवाइज मेरी स्टोरी सबसे हट के साइड पे चल रही है। बेसिकली स्टोरी ही कुछ ऐसी है कि हर मतलब चार भाई हैं और सबकी अलग अलग है, वो किसी एक के साथ है नहीं। अच्छा है, हाँ उनके सबके अलग अलग ही घराने हैं। एंडिंग में क्या हो रहा है वो तो आपको देखना पड़ेगा। ये अच्छी बात की है कि सब कुछ बता देंगे तो आप देखेंगे क्या? ऐसे ही है, बिल्कुल आप बहुत तेज हैं वैसे, देख ले। मैं कोई छुरी है तेज? अच्छा भाई ऑब्वियस बात है आप लोग हमारे मेहमान हैं, एक छोटी सी हम लोग कहले के क्विक सी गेम है जो हम आप चारों के साथ खेलेंगे, इसके अंदर आप चारों की कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। होना सिर्फ ये है कि आप लोगों ने एक गाना गाना है जो आपको ईद के दिन खुशी या ईद के मौके पे पूरा ये डिफाइन होता है, पाकिस्तानी गाना होना चाहिए। आप लोगों के पास 5 सेकंड हैं इसको रिस्पॉन्ड करने में, मैं आपको सिचुएशन दूंगा। हम लोग गा नहीं सकते हैं, जैसे वहां बैठे हैं आप मुझे पता है गा नहीं सकते, मैं इसलिए आपको गाना कह रहा हूँ। आप एक्ट्रेस हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। एग्जैक्टली सिचुएशन ये है कि बकरा बहुत तकलीफ में है, आप कौन सा गाना गाएंगी? गो। बकरा तकलीफ में छुरी थले आवेगा, बकरा तकलीफ में छुरी थले आवेगा। पंजाबी उर्दू मिक्स हो गए। वाह वाह वाह, बकरे को दूसरी बकरी से प्यार हो गया। गो। मेरे दिमाग में अब सडनली कुछ नहीं आ रहा है, हम वेट कर रहे हैं आपका, आप गाएंगी यार? अच्छा बकरे को खोते से इसको बकरी को बकरे ने बकरी को एक गाना गा के कहना है कौन सा गाएगा? यार दे वेड़े आए टप टप गलियां, लब दे फेरा मैं तनु मल मल अखियां, माही मैं तनु समझावा कि तेरे नाल मलाया अखियां। ये बकरी ने बकरे को कह दिया सॉरी। प्यारी है, कितनी अच्छी आवाज है। अच्छा जी अब आपकी बारी है और आपको सिचुएशन ये है, बकरे का बटवा चोरी हो गया तो वो क्या गाना गाएगा? गो। बकरे का बटवा चोरी हो गया, अब आ रही है फसल। मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बाजू लगे। गुड वन। Thank you.
एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं ए प्लस की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जिसका नाम है मिलन है ईद और कर्शी जामिशीरी के खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जो है हमारी सेलिब्रिटीज के लिए आ चुके हैं। और यहाँ हम लोग खूबसूरत सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, अभी ब्रेक से पहले हमें पता लगा यहाँ एक छुपा रुस्तम है। हमें नहीं पता था कि वो एक्टिंग के साथ साथ उनको गाने का भी शौक है। आप मॉडलिंग भी करती हैं और गाने के शौक भी है, खाना पकाती हैं मैं क्या पूरा पैकेज कर लाना नहीं अच्छा खाना भी पकाती है खाना जी बना ली लेकिन आई थिंक खाने का शौक नहीं है, बहुत शौक है। मैं तो बहुत फूडी हूं, मैं बहुत ज्यादा मतलब क्या बात है, rishta.com वाली आंटियां देखें, हमारे पास एक कैंडिडेट आ चुका है जो कि सब कुछ कर लेता है। अच्छा अब आप हमारे लिए एक छोटा सा गाना अगर गुनगुना दें तो दैट विल बी रियली ग्रेट। बिछड़े अभी तो हम कल परसों मिलेंगे तो कैसे, हाय इस हाल में बरसों होंठों पे आई मेरी जान दोहाई है लंबी जुदाई चार दिन दा प्यार रबा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। तो इतना गम कहाँ से आया, इतना दर्द कहाँ से आया आवाज में, कौन था वो किसने दिल तोड़ा और आंखों में भी नमियां देख रहे हैं। वाह वाह वाह, ये आपने वैसे बहुत डीप बात नोट कर ली। खैर नमी इस वक्त किसी और वजह से, लेकिन ये है कि वो तो बात पूछ रही है अच्छा तू वहां पड़ा यानी मेडिटेट कर रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा सा थकी हुई थी उस वजह से, लेकिन आंखों में नमी है खुशी की कमी है। म्यूजिक मेरे ख्याल से तभी अट्रैक्ट करता है जब वो जब जो ऐसा म्यूज़िक होता है जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन है मेरा म्यूज़िक के साथ, तो मैं उसे फील करके गाती हूँ। दुख कहाँ से आया आपका ये सवाल? हाँ सबकी ज़िंदगी में दुख है, मेरी ज़िंदगी में भी एक दुख था, पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, तो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है आपको साथ साथ जो है, खैर हम ईद का माहौल वैसे क्यों ख़राब कर रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, और देखें दुख होता है तो खुशी की कदर आती है। Exactly. इसलिए ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम लोगों के ऊपर एक दुख का माहौल आया हुआ है जो कोरोना का एक बेशक उसकी वजह से ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि हम लोगों के चेहरों पे खुशियां बिल्कुल जो है वो बिखेर, और उसकी वजह से हमें इस खुशी की कदर है और इस खुशी का और ज्यादा एहसास है। बिल्कुल, और इसी एहसास के ऊपर हम लोग आपसे सबसे पहले हम जाने से पहले डीसेंट मैसेज जो आप अपने लोगों को अपने कैरेक्टर में देंगी, कैरेक्टर में जी दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं अच्छा तुसी ऐसे ना करो, तुसी ऐसे ना करो, तुसी सिर्फ कुछ ना करो, बाय के ताने हो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अहमद ये बताओ ये जो स्पेशली तुमने जो बोला डिसेंट मैसेज, इसका क्या मतलब है? असल में हम ऑडियंस को बता चुके हैं, क्या स्टोरी है, इन्होंने आते साथ ही कहा था मुझसे डिसेंट सवाल कीजिएगा, मैं अच्छा बाकी कुछ ही कहा था, मैं मैं ऐसे कलेक्शन को ना देना सा। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं अपना कैरेक्टर का कोई भी सीन परफॉर्म करने जाती हूँ ना, तो मैं एक एक वर्ड पे, बिकॉज वो गुलाबी उर्दू बोलनी पड़ती है, तो मैं एक एक वर्ड पे पूरी ना उसकी तैयारी करके जाती हूँ। ऐसे अगर मैं बोल दूंगी ना तो वो इम्प्रेशन, कोशिश कर लो, चलो कोशिश कर लो गुलाबी उर्दू, चलो कोई और कैरेक्टर, कोई और करे, वो जो आप तैयारी कर करके जाती हूँ उसी तैयारी में देख रहा हूँ। हाँ कुछ ना कुछ तो याद होगा। देखो अदाकार वो होता है कि देखो मैम तुझे मैंने कहा व्हाट्सएप को जरा गुनगुना दियो, अरे नहीं यार ऐ होता है गुलूकार अदाकार फनकार बेकार। और जैसे कि आपने मुझे गाने का कहा कितना बेसुरा सा गा दिया कुछ ना कुछ, लेकिन कितना बेसुरा होता है ना, मतलब बकरा ही मर जाए ऐसा मैंने गाया नहीं, अच्छा गाया। अभी कल हम बात कर रहे थे कि कल बड़े बड़े यहाँ नाम बैठे हुए थे मौसीकार के, तो उसमें बिना एक बंदे ने कहा कि अच्छा मुझे भी गाने गाना आता है, लेकिन ठीक है उन्होंने क्या, तो जब उन्होंने गाने गाया ना उनका अच्छा तो बेटे चाय मिलेगी। अच्छा इसी तरह अब आपने जाते वक्त एक कोई हमें पैगाम दे, हमको पता है कि हमको पश्तो तो आता नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा उर्दू में ही मैं आप लोगों को एक पैगाम दे दूं।
कि आजकल आपको तो पता है कि बड़ा ही कोई मुश्किल सा घड़ी चल रहा है, तो आप लोग जो हैं बाहर निकल के अपने बहन भाइयों की, अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद कीजिए। और इतनी ही मैं पश्तो बोल सकती थी। इसी तरह का एक खूबसूरत पैगाम हम एक बहुत ही अपनी खूबसूरत डीवा और उनको वेलकम बैक करते हैं। लेकिन लैला, जाने से पहले क्या खूबसूरत पैगाम आप देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक बोलूँगी और ये बोलूँगी कि आजकल जो ये जो वक्त चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है, नॉट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसमें हम सबको सबसे पहले तो एहतियात करनी है, क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत ज़रूरी काम हो तो बाहर जाएँ, अदरवाइज़ हमने अपनी मदद खुद करनी है, अपनी हिफाजत खुद करनी है। और उसके साथ साथ जो साहिबे हसीयत लोग हैं उनका इस वक्त उनको ये किरदार अदा करना चाहिए कि जो अपने से नीचे जो लोग हैं उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें वो ज़रूर करें। आज हम किसी का एहसास करेंगे, किसी की मदद करेंगे, रब हमारी मदद करेगा। और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है, क्या बात है। आमना राही, आप क्या मैसेज देना चाहूँगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी जैसे कि फारे ने भी कहा और लाला मैम ने भी कहा, और वाकई हमें इस मुश्किल घड़ी में जो है वो लोग जो कि इस वक्त जिनके पास कुछ भी करने को नहीं है, बहुत परेशान हैं, हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मसरूफ़ हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, हम चूँकि कर सकते हैं मदद उनकी, तो हमें करनी चाहिए बहुत ज़्यादा मदद। बिल्कुल, ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ी करें। बिल्कुल, मदद होती है, मदद छोटी करें बड़ी करें, लेकिन एक दूसरे का साथ ज़रूर दें। और इस वक्त में स्पेशली हमें एक दूसरे का साथ देना है। क्यों अहमद, आप बताएँ, ईद में ईद पे कुछ खिला पिला रहे हो या नहीं? नहीं, मैं रोटी खाए। नहीं, मैं रोटी खाया, मैं रोटी खाया। नहीं, इसमें हम खाने पीने में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। काश दो ब्रेक्स पहले आ जाती तो आपको हम खाने खिला देते। नहीं, ये देखो ये साथ नहीं दे रहा, मुझे भूख लगी हुई है। खवातीन हज़रात, रोटी मुक गई है, थोड़ी सी पैक भी हो गई है। ओए हाय 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 हाय, मैं पैक वाली दे दूं। जी दे दो। अच्छा भाई, राही साहब, जाने से पहले एक तो हम आपसे गाना सुनेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपका नाई का नंबर भी लेना चाहूँगा। ईद का पैगाम क्या देना चाहेंगे? ईद का पैगाम जिस तरह लैला जी ने बोला, अभी ईमान ने बोला कि जो मुश्किल घड़ी है, क्योंकि जो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो भी लोग नहीं कर रहे हैं। आप 5-6 महीने इसको गुजर चुके हैं और बहुत सारे जो लोग सफेद पोश थे बेचारे, वो उनका भी बहुत बुरा हाल हो गया। उनका ज्यादा है, उनका ज्यादा, क्योंकि वो किसी के आगे तो किसे मार नहीं सकते। हाल ज्यादा बुरा है, जो बिल्कुल लोअर क्लास है ना उनको, वो तो बेचारे वो तो पहले भी एक दूसरे से एक दूसरे से कर करा के वो कर लेते थे, लेकिन जो जो बिल्कुल सफेद पोश है, सफेद कॉलर है, वो नहीं कर सकते थे, उनका भी बुरा हाल देखा है। उनका ज्यादा है, निकलते देखिए। हम एक ऐसे ही हमने मिलजुल के एक चेन बनाई हमने, तो कुछ लोगों को हमने दिया ऐसे कर करा कर। लेकिन वही बात है कि आप करें, आपका वो रहेगा नहीं जाएगा। अगर आप सेल्फी बनाएंगे उनके, उन लोगों की तस्वीर करेंगे, आप शो करेंगे, तस्वीरें बनाएंगे, सेल्फी बनाएंगे, तो उससे बेहतर है कि बजाय तजलील करने के आपको आप दें ना, क्योंकि अगर आपको दिया है अल्लाह ताला इतने पूरी कायनात को देता है, बिल्कुल, तो सब पे राजी होता है, तो वो तो सेल्फी नहीं बनाता, बिल्कुल, वो तो देख के खुश होता है, तो आप भी देख के खुश हो जाए और दूसरे को पता भी ना चले। तो मेरा यही पैगाम है कि खुदा के लिए ये जो दिखावा करते हैं, ये दिखावा आप दुनिया में लोगों को तो दिखा लेंगे, लेकिन आपने अल्लाह को आप नाराज कर लेंगे। बिल्कुल, आपका जो दिया हुआ वो किसी काम नहीं आएगा। अगर आपने देना है तो एक हाथ से दें, दूसरे को पता ना चले, जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। क्या बात है। इसके साथ ही जी मुझे अहमद अली भट्ट को इजाजत दीजिए और मुझे हिना न्याजी को इजाजत दीजिए। हम लोग ने A+ की स्पेशल ई ट्रांसमिशन बहुत इंजॉय किया आप लोगों के साथ, और उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल आपसे फिर से मुलाकात होगी कोरोना फ्री पाकिस्तान में, इंशाल्लाह। और इसी खुशी के नोट पे हम आपसे खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। पहले तो मैं ये नियाजी साहब, मैंने सुना कितना अच्छा लगा। लैट बल्दी पारक दी, ओ लैट बल्दी पारक दी, साढ़े वालों लख लख होवे तनु ईद मुबारक जी, और साढ़े वालों लख लख होवे तनु ईद मुबारक जी।